दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है और इस प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है जिनके भारतीय टीम में शामिल हो जाने से भारतीय टीम की जीत दूसरे T20 मुकाबले में भी पक्की हो चुकी है और भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 को देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को अभी से हार का डर सताने लगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्या बड़ा बदलाव किया है और इस दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस दूसरे T20 मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला T20 मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था और उस मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हरा दिया था और अब इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज यानी कि 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग में हमें एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बता दें कि ये दोनों ही काफी कमाल के खिलाड़ी हैं और ओपनिंग करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाजवाब रहता है। हालांकि पिछले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ रन आउट हो गए थे, वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन वो अपनी पारी को बड़ा नहीं बना सके और आउट हो गए थे। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2023 में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था जिसके चलते इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारतीय टीम में खेलने का मौका दिया गया था जहां पर इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। उसके बाद आयरलैंड दौरे और एशियन गेम्स में भी इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर ईशान किशन को खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने लाजवाब प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया था। दोस्तों, बता दें कि ईशान किशन बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं और जैसा कि उन्होंने पिछले मुकाबले में भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दिखा दिया था, ऐसे में एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले में भी ईशान किशन तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव खेलने के लिए उतरेंगे जिन्होंने कि पिछले मुकाबले में 80 रनों की शानदार पारी खेली थी जिसके चलते भारतीय टीम इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाई थी। दोस्तों, बता दें कि सूर्यकुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने साबित भी कर दिया कि आखिर उन्हें T20 का नंबर 1 बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बता दें कि सूर्यकुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जब वो अपनी फॉर्म में आ जाएं तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें आउट करना आसान नहीं होता है। ऐसे में एक बार फिर दूसरे T20 मुकाबले में भी सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, बता दें कि तिलक वर्मा भी जबरदस्त बल्लेबाज हैं जो कि तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तिलक वर्मा आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं और अभी हाल ही में एशियन गेम में भी तिलक वर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया था और ऐसे में अब दूसरे मुकाबले में भी नंबर 5 पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 6 पर खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बता दें कि रिंकू सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो निचले क्रम में आकर छोटी लेकिन यादगार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और मैच को शानदार तरीके से फिनिश करते हैं और पिछले मुकाबले में भी रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई थी। जबकि दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर एक बार फिर से अक्षर पटेल को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों, बता दें कि पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए थे। हालांकि दोस्तों, अक्षर पटेल भी जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी से भी शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। ऐसे में अब दूसरे T20 मुकाबले में भी अक्षर पटेल नंबर 7 पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर सूर्यकुमार यादव ने बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों, बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले से सूर्यकुमार यादव ने रवि बिश्नोई को बाहर करके आवेश खान को खेलने का मौका दिया है क्योंकि दोस्तों, ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले में 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया है और ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में हमें आवेश खान खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगर 9वें नंबर की बात करें तो नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि दोस्तों, पिछले मुकाबले में अर्शदीप सिंह भी फ्लॉप रहे थे और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह भी काफी कमाल के खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 10 और 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों, बता दें कि ये दोनों भी कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था और वो काफी महंगे भी साबित हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि मुकेश कुमार ने पिछले मुकाबले में
बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, जिसमें मुकेश कुमार ने 4 ओवर फेंक कर सिर्फ 29 रन दिए थे। हालांकि मुकेश कुमार को एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन मुकेश कुमार ने ज्यादा रन नहीं दिए थे। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।